ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। पिछले 25 साल से मैं एक यज्ञ कर रहा था और उसके जो परिणाम हैं वो मुझे आज मिले हैं। हर पूर्णिमा पे मैं इस मंत्र का जाप करता था और हवन करता था। इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी मेरी ख्वाहिशें थी, जितने भी मेरे बैर थे, जितने भी बैरी थे, वो सारे एक एक करके कहीं गायब हो गए। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जिस तरह से आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में ऐप चलती रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके सारे रास्ते संवारते जाएगा। माँ भगवती का एक छोटा सा मंत्र जो कि आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। मैं लगभग 25 साल से इस मंत्र का अनुष्ठान कर रहा था और आज जाकर मुझे इसके जो है प्रभाव दिख रहे हैं। तो सोचिए कितना संयम दिखाना पड़ता है, कितना कुछ मान लीजिए आपको असर नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप 25 साल तक वेट कर सकते हैं। यहाँ पर लोग 25 मिनट तक वेट नहीं कर सकते, लेकिन मंत्रों के लिए मैंने 25 साल वेट किया। सोचिए उसके बाद जाकर कहीं आज मुझे इसका असर दिख रहा है और आज मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, शांत मन से मातेश्वरी पर विश्वास करकर इस मंत्र का जाप कीजिएगा। इसके बाद आप जो चाहते हैं, जो भी आपकी कामनाएं हैं, वो सारी पूरी हो जाएंगी। ये मैंने खुद करके देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। इस मंत्र में आपको कुछ बताना नहीं होता किसी को, आप करते जाइए और जो भी आपकी कामनाएं हैं वो एक एक करके स्वतः ही पूरी होती जाएंगी। बचपन से ही मुझे इन गूढ़ रहस्य को जानने का बहुत बहुत ही क्रेज रहा है और मैं बस इन्हीं में लगा हुआ हूँ बचपन से ही। न जाने क्या कुछ शक्तियाँ हैं मेरे साथ जो कहती हैं कि इसी रास्ते पे चलते रहो, और आज मैं इतना आगे निकल गया हूँ कि अब मुझे चीज़ें दिखाई देने लग गई हैं। मैं देख सकता हूँ इंसान के भीतर क्या है। इंसान बोलेगा नहीं, उससे पहले ही मैं समझ जाता हूँ कि उसके मंशा क्या है, उसके भीतर क्या चल रहा है। सोचिए अगर आप भी ऐसी साधनाएं, ऐसी सिद्धियां चाहते हैं तो माँ भगवती को आज से ही आराधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही 10 महाविद्याओं की देवी हैं जो आपको सब कुछ दे सकती हैं। कोई भी ऐसी सिद्धि रिद्धि नहीं है जो उनके पास ना हो। वाक सिद्धि चाहिए, बोलना नहीं आता, बोलना चाहते हो तो माँ बगलामुखी की साधना कीजिए तो आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मंत्र बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसके जो चमत्कार हैं वो इतने बड़े हैं कि पूरी धरती कंप पड़ जाए, तीनों लोग कंप पड़ जाए, इतना बड़ा मंत्र है वो। क्योंकि उसके जो चमत्कार हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। आप इस छोटे से अनुष्ठान को कीजिए रोज प्रतिदिन और फिर देखिए किस तरह से जो भी आप चाहते हैं वो नाटकीय रूप से आपके सामने आ जाएगा। और फिर आपको याद आएंगी मेरी ये बातें। तो जो भी मेरे पाठक हैं, जो भी मेरे श्रोतागण हैं, जो मेरे इतनी लंबी लंबी बातों को सुनते हैं, मैं उनके लिए दे रहा हूँ। आप इसको यूज़ कीजिएगा और आपकी ज़िंदगी में शुभता अवश्य आएगी। तो मंत्र है नमः कमल वासनी स्वाहा। आपको क्या करना है, जो मार्केट में हवन सामग्री मिल जाती है वो ले लीजिए, या फिर अपनी खुद की हवन सामग्री बनाइए। इलायची, लौंग, तेजपत्ता और सफ़ेदे के पत्ते और जो जो हवन सामग्री में लगता है वो सारी जो है कैटेगरी बनाकर मैं एक अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। उसमें सारा कुछ लिखा होगा कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी। ये सारी इकट्ठी कीजिए और जब भी पूर्णिमा हो, जैसे कि अभी 3 दिन पहले ही
वॉल्फ मून था। तो ये एक ऐसा नक्षत्र था जब 3 दिन लगातार 3 दिन पूर्णिमा रही हो, और ये तंत्र में बहुत बड़ा स्थान रखता है क्योंकि आपने कभी पहले नहीं देखा होगा कि 3 दिन तक कभी पूर्णिमा रही हो। तो ऐसे में जब भी कभी पूर्णिमा हो, क्योंकि महीने में एक बार आ जाती है, तो आप उस दिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार या कम से कम 2 घंटे जाप कीजिए, और जब स्वाहा आए तो जो आपकी सामग्री है उसको अर्पित कीजिएगा। अब कई लोग क्या होते हैं कि अब मैंने बता दी थी ऐसे करना है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं। जो घी लेना होता है वो 150 वाले ले लेते हैं, सस्ते वाले ले लेते हैं, तो उसके बाद परिणाम भी वैसे ही आएंगे। सामग्री सही नहीं है तो परिणाम बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे आपकी सामग्री होगी। घी लेना है वो ओरिजिनल लीजिए, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। जो जो सामान है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा। कई लोग जो होते हैं पुरानी बासी इलायची डाल देते हैं, तो फिर उसमें वो शक्ति बनती नहीं है। जो जो जितना मतलब आपके जो कैसे समझाऊं, जैसे आप खाना खाते हैं, अब उसमें बासी तो नहीं खाएंगे कुछ, तो बस उसी तरह से जब मातेश्वरी को कुछ दें तो उसको बिल्कुल एकदम जैसे प्योर होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, और जो आप खा सकें बिल्कुल वैसा ही, उसमें कोई भी मिलावट ना हो, ऐसा दें तो आपके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप कंजूसी करते हैं, 150 वाला घी डाल देते हैं 500 वाले घी की जगह, तो परिणाम जो है वो बहुत देर कर देंगे। और दूसरी बात, जब भी आप ये कोई भी अनुष्ठान या फिर कोई भी कर्मकांड शुरू करें तो आसपास के लोगों को ना बताएं। इससे होगा ये कि आपका अनुष्ठान बाद में शुरू होगा लेकिन उनके मुंह जो है वो पहले खुलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आप उस ऊर्जा को खो देंगे, जो एक खुशी होती है, एक आपको करने की इच्छा होती है, चाह होती है कि कुछ होगा कुछ होगा। अब कोई आकर आपको कुछ कह देगा तो वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगी। तो किसी को भी इस बारे में ना बताएं, और गुप्त रूप से एकदम बंद कमरे में इसको करते रहें। और जब ये हवन करें तो ये आप अपनी छत पे कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, किसी गुफा में कर सकते हैं। और याद रहे, जब भी आप ये करें तो आपके आसपास कोई ना हो। आप जब ये करें तो एक नीचे कोई भी आसन लगाएं, वो किसी भी तरह का हो सकता है, और उस जगह पर लगाएं जहाँ पर कि आप चांद को देख सकें। जब पूर्णिमा का चांद हो उसको देखते हुए आपको ये हवन करना है। हवन के लिए आपको हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए, और कपूर चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, और अगर पूरी लिस्ट चाहिए तो sunstop.com पर जाइए, वहाँ पर मैं आपको उसकी पूरी विधि दे दूँगा। इसके बाद ये छोटा सा मंत्र जो है आपको जाप करना है, स्वाहा जब आए तो अपनी 3 उंगलियों से जो हवन की सामग्री होगी वो हवन में डालनी है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी खनिश नहीं रहेगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और ये इतना चमत्कारी है कि शब्द नहीं है, बस एक बार आप करके देखिए। बस एक छोटी सी साधना है, कुछ नहीं जाएगा, कीजिए और फिर असर देखिए कि जो आदिकाल की चीज़ें थी वो अभी भी जीवित हैं इस धरती पर। धन्यवाद।